नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप और आप सबों का दीप में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए पर्यटन स्थल पर पहुंचे जिसका नाम है इसको गुफा। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा में आप जुड़ जाइए और मैं आपको यह गुफा दिखाने वाला। बहुत ही प्राचीन गुफा है यह और बहुत विख्यात हो चुका है। अब यह आप इसके बारे में पहले पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो चलिए, क्या है, कैसे आना है, नहीं आना, सारा कुछ मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको गुफा प्रकृति की गोद में स्थित है, जो झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग जिले में बड़का गांव में यह स्थित है। हजारीबाग से बड़का गांव की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है तथा बड़का गांव में इसको गुफा 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि इसको गांव में है। इसको गुफा इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है जहां अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग इसको गुफा पहुंच चुके हैं और आने में काफी कठिनाई भी महसूस किया हम लोगों ने, रास्ता थोड़ा सा हम लोग भूल गए थे, लेकिन फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ हमारे कुछ मित्रगण आए हुए हैं, तो चलिए मैं आपको अपने मित्रगणों से मिलाता हूँ। इनसे मिलिए, ये है जीएम कॉलेज के प्रोफेसर चित्रदयाल महतो, मेरा नाम हुआ। हम अभी इस प्रांगण में आए हुए हैं, अभी आगे घूमना भी बहुत सारा दर्शनीय स्थल को देखना, साथ में कुछ नव निर्मित एवं पुराने चट्टानों का संगम का भी सर्वेक्षण करना है और भी बहुत सारा देखेंगे, फिर आगे बताएंगे। और हमारे साथ एक और हमारे सहपाठी आए हुए हैं, टिकेश्वर कुमार, तो इनसे मिलिए हमारे दर्शकों को। हाय बोलिए। हमारे साथ बने रहिए आप लोग और मैं आप लोगों को यहाँ क्या है नहीं है सबको मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ, तो हमारे साथ आप बने रहिए। हाँ, तो काफी थकते हुए हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं फाइनली, और ये रहा इसको गुफा। रास्ता हम लोग भूल गए थे, दरअसल मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे और मैं किसी ग्रामीण का सहायता लिया, तब जाकर के मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। काफी ठंडा यहाँ का मौसम है। कुछ इस प्रकार से इसको गुफा का बाहरी बनावट है। हमारे साथ बने रहे आप लोग। वाओ, काफी ठंडा है यहाँ पे। थोड़ा सा गर्मी हम लोग को बढ़ गया था क्योंकि पहाड़ वगैरह चढ़ना था। धार्मिक आस्था भी है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। सिर्फ चट्टाने चट्टाने नजर आ रही है यहाँ पे। आगे मैंने घुस में अंधेरा आने की दिखी। ये जल का स्रोत है, लेकिन हमको लगता है कि ये मौसमी वर्षा यहाँ पे पहुंचती है जिसके कारण से जल सूख चुका है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ से छोटी छोटी गुफाएं कुछ हैं जिसके अंदर लोग जाया करते हैं। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ एक बार, माथा बचा के चलने के लायक है अब यहाँ से। देखिए किस प्रकार का यहाँ का दृश्य है। मेरे साथीगण पहुंच रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिए आप लोग। मैं लाइट जला दे रहा हूँ, शायद आगे जाना थोड़ा कठिन कार्य है क्योंकि माथा बचा के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा पैनिक माहौल है यहाँ का, काफी घुटन महसूस हो रही है और इसके आगे हम लोग जाने से असमर्थ लग रहे हैं। सेट गंदा हो जाएगा यार। अंदर हाँ कोनो की खत्म अंदर कुछ और आ जाने के लायक नहीं हम लोग, क्योंकि ये देख सकते पीछे सुरंग की और आगे और मैं बढ़ रहा हूँ और देखते हैं कितना दूर तक है। ऐसा लग रहा है कि सुरंग और ही बहुत लंबा है। ऐसा लग रहा है कि सुरंग का कहीं अंत ही नहीं है, पूरा और दिख ही रहा है, सुरंग ही सुरंग, आप ये देख ही रहे हैं। देखते हैं आप लोग कि किस तरह से यहाँ घुसे हुए हम लोग पहाड़ों के बीच में, ये पत्थरों के बीच में। और ये मेरा मित्र का नाम वापस लौट रहा है, आराम से नाम माथा बचा के। काफी दिक्कत है यहाँ, सांसें लेने में काफी दिक्कत हो रही है,
घुटन काफी महसूस हो रही है, आराम से माथा बचा के। सब लोग का बुरा हाल है, चलिए रिटर्न आइए। एक बार पुनः आप लोग देख सकते हैं, मैं बाहर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में। ये कोई सीमेंटेड या रेड से ढाला हुआ कुछ घर नहीं है, बल्कि यह पत्थर ही है सिर्फ, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, अभी हम लोग इसके अंदर गए थे, यहाँ से यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, कुछ सज्जन अभी भी वहाँ पे गए हैं, देख सकते हैं आप इसको। अभी जो आपने इसको गुफा में गुफा को देखा, इसको ऑलरेडी आपने पहले देखा होगा, लेकिन इसको गुफा में और भी कई गुफाएं हैं जिसको शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस चट्टान का आनंद लीजिए आप, कितनी बड़ी ये चट्टान है। और ये सर ने बोतल को छोड़ दिया, सर पीछे पीछे दौड़ रहे, बोतल आगे आगे देखते पकड़ पाते कि नहीं। सर पकड़िए सर, पानी पीना है सर उससे, सर पकड़िए सर, काफी मुश्किलों का सामना कर रहे सर, पकड़िए सर। ये फाइनली सर ने पकड़ लिया बोतल को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मेरे दर्शकों को आप बताएं के बारे में थोड़ा। सबसे पहले हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि ये इसको गुफा जो है बगल में, तो इसको गुफा का खोज 1991 में सितंबर माह के 1991 में खोजा गया था। इसका खोज सबसे पहले बुलु इमाम महोदय ने किया था, है ना। बुलु इमाम का नाम ऐसे भी जाना जाता है, कई कारणों से उन्हें जाना जाता है, साथ में उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इसी पहाड़ में बोला जा रहा है कि कुछ गुफाएं हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं अब यहाँ पे। ये कुछ रास्ते हैं पतली सी, इसी रास्ते से हम लोग को ऊपर चढ़ना है और गुफाएं पास हम लोग पहुंचेंगे। यहाँ भी माना जाता है कि 7 गुफाएं हैं, हम लोग ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। हम लोग इसको गुफा वहाँ पे देख चुके थे और ये पहाड़ के विपरीत दिशा की ओर से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और यह भी काफी खूबसूरत लग रहा है। देखिए पत्थरों के बीच से ये गुफा है। माना जाता है कि वो जो सुरंग आप लोग देखे थे कुछ देर पहले, अभी वो सुरंग इस सुरंग से मिलती है, लेकिन किसी ने अभी तक यहाँ जाने का प्रयास नहीं किया। और ये अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो अब इसको बंद कर दिया गया है। एक सेकंड में आपको लाइट जलाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये गुफा को बंद कर दिया है, क्योंकि लोग इसके अंदर चले जाते थे और आने में काफ़ी समस्या होती थी। ये गुफा अंदर जाती है और वो जो अभी कुछ देर पहले आप लोग गुफा देखे थे इस रास्ते से मिलती है, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए एक और गुफा मैं आपको यहीं सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक दूसरी गुफा है, इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे अंदर जाने में काफी कठिनाई, रास्ता बहुत कम है, लेकिन माना जाता है कि ये वो जो गुफा थी वो गुफा इस रास्ते से आकर के मिलती थी और लोग आना जाना करते थे, इसके नीचे लोग आराम से रहा करते थे पाषाण काल में। हालांकि इस पर अभी शोध कार्य चल ही रहा है, पूर्णता अभी स्पष्ट नहीं किया गया है इसके बारे में। मैं बाहर आ रहा हूँ रिटर्न, ये देख सकते हैं आपकी कितना खूबसूरत ये नजारा लग रहा है, पूरी तरह से ये पत्थर है, चट्टान है। और यहाँ पे 2 गुफा थी जिसको मैंने अभी आपको दिखलाया। धन्यवाद, बने रहिए आगे, और कुछ मिला तो जरूर दिखाऊंगा। ये बड़ी सी आप चट्टान देख पा रहे होंगे, आपने वहां 3 गुफा तो ऑलरेडी देख चुका था, 2 गुफा आपने देखा था, और यहाँ पे एक और सुरंग है, लेकिन इसको भी देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी पत्थर से इसको बंद कर दिया गया है। इस तरह से कई ऐसे यहाँ पे हैं, देखिए ये भी एक सुरंग था लेकिन इसको भी लोग बंद कर दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे आने जाने का रास्ता बहुत कम है इस सुरंग में। मैं आगे और बढ़ता हूं, लग रहा है कि यहाँ एक और गुफा है, देखिए ये भी एक है लेकिन इसको भी देखिए पत्थर से इसको भी बंद कर दिया गया है, शायद किसी कारणवश से बंद किया गया है, कारण तो मुझे नहीं पता है। हमको एक बार एक सज्जन ने बताया था कि यहाँ पे 7 गुफाएं हैं,
मैंने तो काउंट नहीं किया कि साथ हुआ या नहीं, लग रहा है कि ये भी एक गुफा है। और इसमें देखिए कि कुछ मलबा जमा हुआ हुआ है, और इसको भी देखिए तो रास्ता इसको भी बंद कर दिया गया है। हालांकि बहुत लोग, कम ही लोग यहाँ पे पहुंच पाते हैं इसको गुफा में, ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और इधर भी कुछ गुफाएं नजर आ रही है, लेकिन जाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रास्ते बहुत कठिन है। फिर भी मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। ये गुफा नहीं लग रहा है, लग रहा है ये भी गुफा है देखिए, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो अंदर रास्ता है, लेकिन इसको भी ब्लॉक किया गया है। इधर देखिए ये भी एक सुरंग है, लेकिन सभी रास्ते, सभी गुफाएं के रास्ते को बंद किया गया है। मतलब इस बड़े से चट्टान में पूरी तरह से सिर्फ गुफाएं ही नजर आ रही हैं, और जाने के विभिन्न विभिन्न रास्ते भी हैं। हमारी टीम मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले यहाँ पे आ चुका हूँ। हालांकि थोड़ा सा डर का माहौल मेरे लिए भी लग रहा है, क्योंकि मैं अकेले हूँ यहाँ पे। और ये पत्थर आई भगवान ने करे कि ये गिरे, बहुत खतरनाक है, ये लटकी हुई थोड़ी सी। अब मैं रिटर्न लौटता हूँ, क्योंकि हमारे दोस्तों यहाँ चट्टान के अपोजिट साइड हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये बड़ी चट्टान जो आप लोग ऊपर से देखे थे इसको, उसके नीचे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारे चित्रकारी किया गया है, बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पे मैप है, यहाँ के यहाँ इसको ढाल दिया गया ताकि हम लोग अच्छे से जा करके और देख सके कि किस प्रकार से मैप को बनाया गया है या किस प्रकार का लिपि है, कुछ पता नहीं चल पाता है स्पष्ट। बहुत से लोगों का मानना है कि मैप है, कुछ लोगों का मानना है कि वह एक लिपि है। इस मैप को समझना थोड़ा जटिल लग रहा है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक से देखें इस मैप को, काफी पुरानी है ये, और बहुत साल से यहाँ पे ये मैप को बनाया गया है। पाषाण काल का बोला जाता है कि पाषाण काल का है ये, और इसमें अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं कोई कह पाए कि आखिर ये मैप किस चीज का है या फिर किस चीज को, मानचित्र को दर्शाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि गुफा में प्रवेश करने के लिए ये एक मैप बनाया गया, जिससे गुफा में प्रवेश किया जा सकता है, हालांकि उसको अभी बंद किया गया है। हालांकि स्पष्ट तौर पे कहना मुश्किल है। चलिए आगे और कुछ मैप है, इसको मैं दिखाता हूं। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि यह मैप बहुत पुरानी होने के बावजूद भी यहां पे पत्थरों पे इसको उकेरा गया है, और कुछ केमिकल बोला जाता है कि उसमें इनको नॉलेज था इस चीज का, कुछ केमिकल का प्रयोग करके इस मैप को बनाया गया है, जो काफी प्राचीन होने के बावजूद भी अभी तक यह यहाँ पे लगी हुई है, और इसको अभी तक यह मिटा नहीं है। अब ध्यान से देख सकते हैं इसको, अभी तक ये मिटा नहीं, अभी तक स्पष्ट पता चल पाता है, ये यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है। इस तरह से यहाँ हमारी जर्नी समाप्त होती है। आई होप कि आप सबों ने बहुत इंजॉय किया हुआ हमारे साथ, और ऐसा लग रहा है कि आप भी हमारे साथ घूम रहे हैं। एक बार हमारी टीम को आप धन्यवाद बोल दें, और कमेंट में थैंक यू लिख करके जरूर खुशी व्यक्त करें कि हाँ हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस टूर को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे, फिर कभी मैं किसी पर्यटन स्थल को ऐसे ही दिखाऊंगा। धन्यवाद।